जानिए प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आहार में किन चीजों को शामिल कर आप अपने नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ा सकती है। गर्भावस्था में 9वें महीने में बच्चे का अमूमन पूरा विकास हो चुका होता है और उसका वजन भी बढ़ चुका होता है। इस समय बच्चे के वजन के कारण आपको पाचन संबंधी परेशानियां हो सकती है, जैसे कि अपच, एसिडिटी आदि। इस वजह से आपको अपने आहार में पोषक तत्वों की मात्रा को अधिक रखना चाहिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें खाने से आप अपनी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ा सकती है। पहला है हल्दी। हल्दी में दर्द निवारक गुण होते हैं और 9वें महीने में आपको कॉन्ट्रैक्शन महसूस होने लगता है, इसलिए अपने खाने में हल्दी का इस्तेमाल जरूर करें। इस समय पेल्विक हिस्से में, कमर में और कूल्हों में हो रहे दर्द को कम करने के लिए हल्दी मदद करती है। रात को दूध में हल्दी मिलाकर पीना फायदेमंद होगा। दूसरा है अदरक और लहसुन। 9वें महीने में प्रेग्नेंट महिलाओं को अदरक और लहसुन भी खाना चाहिए। अदरक को कूटकर उसकी चाय बनाकर ले और अदरक को पानी में डालकर उबाल ले और इस पानी को गुनगुना पिए। वही रोज सुबह लहसुन की 2 कलियां खाली पेट खाने से आप कई बीमारियों से दूर रह सकती है और इससे सर्विक्स खुलने में भी मदद मिलती है। आप खाने में भी लहसुन का इस्तेमाल कर सकती है। तीसरा है अजवाइन के लड्डू। अजवाइन गर्म होती है और नॉर्मल डिलीवरी के लिए शरीर को तैयार भी करती है। आप गर्भावस्था के दौरान ही नहीं बल्कि डिलीवरी के बाद भी ये लड्डू खा सकती है, इससे शरीर को ताकत मिलती है। चौथा है गुनगुना पानी। प्रेगनेंसी में खूब पानी पीना चाहिए और गुनगुना पानी और भी ज़्यादा फायदेमंद होता है। इससे मांसपेशियों का तनाव दूर होता है। वही ठंडा पानी या ठंडी चीज़ें खाने से मांसपेशियों सिकुड़ जाती है या प्रसव के समय होने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि आप गर्भावस्था में हल्की गर्म चीज़ें ही खाएं। पांचवा है खजूर। गैस पर दूध को गर्म कर ले और उसमें खजूर डाल दे। दूध उबलने पर इसे पीस ले। आप चाहे तो गर्म दूध के साथ भी खजूर खा सकती है। अगला है दूध के साथ घी। कहते हैं कि 9वें महीने में दूध में घी डालकर पीने से बच्चेदानी और गर्भाशय चिकना हो जाता है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी में मदद मिलती है। क्योंकि दूध में घी डालकर पीने से वजन तेजी से बढ़ता है और अगर आप पहले से ही ओवरवेट है तो घी का सेवन ना करें। अब देखते हैं कि 9वें महीने में क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो 9वें महीने में खाने से माँ और बच्चे की सेहत को नुकसानकारक साबित हो सकता है। इस समय प्रेग्नेंट महिला को चीज़, कॉफ़ी, शराब या ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि ऊपर की सब चीज़ें गर्म तासीर वाली है जो डिलीवरी में मदद करती है, पर उसका अधिक सेवन नुकसानकारक भी हो सकता है, इसलिए पहले आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट की भी सलाह लेनी चाहिए। आभार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।